हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग ये बताइए, क्या एक्सटर्नल नॉइज कोई आ रही क्या? सभी लोग कमेंट करके बताइए, क्या एक्सटर्नल नॉइज आ रही? सतीश कुशवाहा जी, कमेंट करके प्लीज बताएं, क्या एक्सटर्नल नॉइज कोई आ रही है? सभी लोग कमेंट करके बताइए, एक्सटर्नल नॉइज कोई आ रही है? सभी लोग बताइए जरा। बोलिए, मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? कोई एक्सटर्नल नॉइस तो सुनाई नहीं पड़ रही? अगर कोई एक्सटर्नल नॉइस आ रही हो तो आप हमें जरूर बताएं कि हाँ सर, एक्सटर्नल नॉइस आ रही है, तो मैं उसका सलूशन निकालता हूँ। ठीक है, मेरी आवाज क्लियरली आप लोग को पहुंच पा रही है? तो बहुत बहुत थैंक यू आप सभी लोगों को। सभी लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जितने लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो सब लोग हमें कमेंट करके बताना शुरू करिए कि कौन कौन हमारे साथ जुड़ा है, ताकि क्लास स्टार्ट की जा सके। सभी लोग, सतीश कुशवाहा जी, यस सर, क्लियर वॉइस आ रही है। बहुत बहुत थैंक यू सतीश कुशवाहा जी। बच्चों को आप शेयर कर दीजिए, 2 दिन मैं क्लास नहीं ले पाया हूँ, तो बच्चे सब हो सकता है गायब हों, सोच रहे हो गुरु जी क्यों नहीं क्लास ले रहे हैं। चलिए, फिर भी मैं भी शेयर कर देता हूँ थोड़ा, 1 मिनट आप वेट भी कर लीजिए और आप भी शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें। मैं फटाफट शेयर कर देता हूँ, ठीक है। एक सेकेंड, एक सेकेंड। जो लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो अब हमें कमेंट करके बताइए कि कौन कौन हमारे साथ जुड़ चुका है। सतीश कुशवाहा, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, बहुत बहुत जय हिंद बच्चा मेरे लाल, माय डियर। सभी लोग, आप सभी लोगों को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइंस के बारे में, हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सभी लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़िए, ताकि क्लास का पूरा आनंद हम सब लोग ले सकें। सब लोग भाई, मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग ठंडे हो गए थे, सोचे थे गुरु जी अब लगता है इस मंथ नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि इस मंथ का मतलब यानी कि आज 30 तारीख है, मैंने 2 दिन के लीव पे था, मैं अब फिर से कम बैक किया हूँ और सभी क्लासेस प्रॉपर अपने नियम के अनुसार अपने सेम टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलती रहेंगी। तो आप लोग रेगुलर हमारे साथ जुड़िए। आप लोगों को अप्रैल मंथ का मैं आज सब लोगों को शेड्यूल भी बताने वाला हूँ कि अप्रैल मंथ में किस टाइम कौन सी क्लास चलेगी। इसके साथ साथ हम आज जो क्लासेस पे चर्चा करेंगे, उसमें साइंस है जिसपे हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए, तो आप लोगों को बता देते हैं, क्रैक एसएससी एग्जाम विथ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। आप सभी लोग अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए। अगर अभी तक आप जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि अब अनअकैडमी से जुड़ने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा। अनअकैडमी से जुड़ने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। उसमें आपको गोल सेलेक्ट करने को बोला जाएगा, तो आप एसएससी एग्जाम गोल को क्या कर लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए।
यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एसएससी एग्जाम सेलेक्ट करना। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ सर्च का ऑप्शन होगा, तो इसमें आप नाम डालिए राजेश पोरवाल। मेरा नाम है राजेश पोरवाल। जब आप इस नाम को फिल करेंगे, सर्च करेंगे तो खुल के आ जाएगा और आप इसे फॉलो कर देंगे। जब आप इसे फॉलो कर देंगे तो आपको हमारी क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। सबसे खास बात ये भी है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग की स्पेशल क्लासेस चलती हैं, और ये जो स्पेशल क्लासेस यहाँ पे हमारी चलती हैं, इन क्लासेस की अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल फ्री स्पेशल क्लासेस चलती हैं। आप इन्हें फ्री में इन क्लासों को कर सकते हो, सब लोग इन क्लासों को ज्वाइन कर सकते हो। अब क्लास का टाइमिंग क्या है? अप्रैल मंथ में अगर हम बात करें तो बच्चे अप्रैल मंथ का पूरा शेड्यूल मेरा जान लीजिए क्या रहेगा। सॉरी अप्रैल नहीं, मई। मई स्टार्ट होगा कल से, जो नेक्स्ट मंथ स्टार्ट है वो मई स्टार्ट है। मई की अगर बात करें तो इसमें आपको रेगुलर 9 PM यानी कि रेगुलर 9 PM पे आप लोगों को मेरी क्लास मिलेगी। एक क्लास रेगुलर 9 PM पे आप लोग को मिलने वाली है। इसके साथ साथ आप लोगों को एक मेरी क्लास 10 PM पे, 10:05, सॉरी फिर से लिख देते हैं, 10:05 यानी कि PM यानी कि रात 10:05 पे आपको रेगुलर मेरी एक क्लास मिलने वाली है। रेगुलर क्लास मिलेगी, यानी कि 9 से 10 आप हमारी क्लास करेंगे यूट्यूब पर। कहाँ क्लास करेंगे? यूट्यूब पर। और इसके बाद 10:05 पे आपको मेरी एक क्लास मिल जाएगी अनअकैडमी पे। किस पे क्लास मिलेगी? अनअकैडमी पे, ठीक है। तो आप ये सारी क्लासेस करने के बाद हमारे साथ रेगुलर एक क्लासेस चलेंगी। इसमें इस शेड्यूल में कोई भी बाधा मैं उम्मीद करता हूँ नहीं पहुँचेगी, और मैं ये भी चाहता हूँ कि कोई बाधा ना पहुँचे, वही बेहतर भी, ठीक। अब कोई कैजुअल प्रॉब्लम हो जाती है, कोई इशू होता है, अब कैजुअल के लिए तो आप क्या कहते हैं, ना आप रिस्पॉन्सिबल हैं ना हम रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर कोई कैजुअल प्रॉब्लम होती है तो किसी को भी जाना पड़ सकता है, एनी टाइम जाना पड़ सकता है, एवरी टाइम जाना पड़ सकता है। मेरा नाम बच्चों राजेश पोरवाल है। आप सभी लोग लेट्स क्राई के एसएससी एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे हमें देख रहे हैं। रिचा हमारे साथ जुड़ी हैं, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे बच्चा सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या कर लीजिए? सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जब जब आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप लोग को मेरा एक क्लास एक यानी कि मेरे क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ आप लोग एसएससी इंग्रेव टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आप लोग को हमारे क्लासेस का लिंक सबसे पहले मिलेगा, जिससे आप हमारी क्लास से आसानी से क्या कर सकते हो, जुड़ सकते हो। हम आपको बताएं अभी हाल ही में यानी कि 2 दिन पहले 28 अप्रैल से अनअकैडमी पे बैच स्टार्ट हुआ है। आप यहाँ पे 28 अप्रैल से जो अनअकैडमी पे बैच स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे आप सभी लोग क्लास कर सकते हो। इसकी अगर बात करें तो ये बच्चा एक प्लस कोर्स है। प्लस कोर्स में क्या होता है और किस चीज का बैच स्टार्ट हुआ है, तो एसएससी सीजीएल का बैच स्टार्ट हुआ। किसका बैच स्टार्ट हुआ है? एसएससी सीजीएल का। इसको आप पेड है, इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन लीजिए, और सब्सक्रिप्शन जब लें तो आप फॉरवर्ड 10 कोड का यूज जरूर करें। फॉरवर्ड 10 कोड का जब यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। 10% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो आप सभी लोग क्या कहते हैं, फॉरवर्ड 10 जरूर यूज, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो सभी लोग समझिए, एवरी संडे को 12 PM पे अनअकैडमी कंबाइंड होता है, जिसमें आप फॉरवर्ड 10 कोड का अप्लाई करके आप इसमें इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। अगर एक रैंक तक आपकी आती है तो आपको 1 करोड़ तक स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबिलिटी मिल सकती है। सब्सक्रिप्शन अगर किसी को लेना है तो सब्सक्रिप्शन यहाँ पे बैच वाइज नहीं, मंथ वाइज होता है। 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन 1300 का है और 3 मंथ का 3250 का है।
अगर लेना ही है तो बच्चा 30 अप्रैल यानी कि आज लास्ट डेट है बच्चा। 30 अप्रैल तक अगर हम बात करें तो आज लास्ट डेट है, तो सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे अगर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप क्या करिए, या तो 6500 का लीजिए, 65 अगर ये लेंगे 12 मंथ का तो 2 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा आपको, और अगर 24 मंथ का लेंगे तो 4 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा। इसलिए अगर लेना है तो आप सब्सक्रिप्शन आज तक ले सकते हैं, और सब्सक्रिप्शन लेते समय फॉरवर्ड 10 कोड यूज करें जिस पे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है बच्चा, चलिए तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। सभी लोग हमें फटाफट क्वेश्चन के आंसर बताना शुरू कर दीजिए। अरे भाई आज तुम लोग कहाँ गायब हो भाई, हमको क्या पकड़ पकड़ के आज लाना पड़ेगा हैं? बोलो भाई। रिचा लिखा है ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं। ऑस्टियोसाइट होता क्या, पहली चीज तो ये देखिए आपका आंसर सही। ऑस्टियोसाइट की अगर बात करें तो ये एक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। क्या होती हैं? कोशिकाएं होती हैं। तो हड्डी में पाई जाने वाली कोशिकाओं को ऑस्टियोसाइट कहा जाता है। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो उपास्थि होते हैं, उपास्थि यानी कि कार्टिलेज, कार्टिलेज की अगर हम बात करें, ठीक, नहीं कार्टिलेज नहीं, उपास्थि यानी कि टेंडन की अगर हम बात करें, कार्टिलेज लसिका होता है, टेंडन की अगर बात करें, पूछे टेंडन में क्या पाया जाता है, तो कंड्रोसाइट सेल्स पाई जाती। कौन सी सेल? कंड्रोसाइट। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ब्लड में क्या होता है, तो ब्लड में थ्रोम्बोसाइट होती है, ब्लड में अगर बात करें तो ल्यूकोसाइट होती हैं, ये सेल पाई जाती है। वैसे हमारी हड्डियों में ऑस्टियोसाइट नामक सेल पाई जाती है। हड्डियों का अध्ययन जो होता है वो ऑस्टियोलॉजी होता है, यानी कि अगर हम बात करें तो हड्डियों से रिलेटेड। वैसे भी आप याद रखिएगा जिसमें ऑस्टियो शब्द लिखा हो, किस क्या लिखा हो बच्चा, ऑस्टियो शब्द लिखा हो, आप समझ जाइए वो प्रॉब्लम किसकी है, हड्डी से रिलेटेड वो प्रॉब्लम है और हड्डी के बारे में वो बताना भी चाहता है। अगला क्वेश्चन है, सभी लोग बताइए। लिखा एलोसोम होते हैं, एलोसोम आर सेल आर्गन होते हैं, कोशिकांग होते हैं, प्लांट हार्मोन्स होते हैं, पादप हार्मोन्स होते हैं, एलील्स होते हैं, या सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। विधि भाटी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। विधि भाटी जी, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। मैंने आप सबको बताया था कि 2 दिन तक आप लोग की छुट्टी रहेगी, 2 दिन बाद हम आप लोगों से मुलाकात करेंगे, और 2 दिन बाद फाइनली आज हम क्या कहते हैं जुड़ चुके हैं, अब रेगुलर क्लास चलेगी। ठीक है रिचा, देखिए आप लोग जितने लोग जुड़े हो, फिर से सब लोगों को एक बार मैं दोहरा देता हूँ, अब मेरे क्लास का शेड्यूल जो मई में है वो बच्चा कुछ डिफरेंट हुआ है, उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन ये है, आपको मेरी 2 क्लासेस मिलेंगी, एक 9 PM पे क्लास मिलेगी यूट्यूब पर, आपको 9 PM पे जो क्लास होती है वो क्लास मिलेगी, और एक 10:05 पे जो आपकी क्लास होती है PM पे अनअकैडमी पे, ये क्लास मिलेगी। बाकी आपको सैटरडे संडे, सैटरडे कुछ स्पेशल क्लासेस की भरमार रहेगी, उनका टाइमिंग आपको बता दिया जाएगा। ठीक है स्पेशल क्लासेस सैटरडे को कम से कम 4 होंगी हर सैटरडे को। ठीक है और क्या कहते हैं, स्पेशल क्लास की अगर जो यूट्यूब की क्लास होती है उनके लिए भी आपको दिन डे डिसाइड करके बता दिया जाए, किस दिन आपको मैराथन क्लास मिलेगी, किस चीज़ की मिलेगी, इन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे अगर बात करें तो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। सेक्स एलोसोम है क्या? एलोसोम के अलावा इनके लिए एक शब्द और यूज होता है, जिस शब्द का नाम है बच्चा ऑटोसोम। क्या नाम है? ऑटोसोम। ऑटोसोम की अगर हम बात करें तो ऑटोसोम का
क्या होते हैं, जैसे लिंग गुणसूत्र जो होते हैं सेक्स क्रोमोसोम, ये बच्चा कितने होते हैं, 22 प्लस XY होते हैं, कितने होते हैं 22 प्लस XY। तो 22 जो है ये बच्चा एलोसोम है या इनको ऑटोसोम कहते हैं, और एक्स वाई गुणसूत्र जो है यानी कि एक जोड़ी गुणसूत्र ऐसे होते हैं, वन पेयर क्रोमोसोम ऐसे हैं जो सेक्स डिटर्मिनेशन यानी कि लिंग के निर्धारण में पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें भाग लेते हैं, और किसी में भी यानी कि और कोई क्रोमोसोम कभी भाग नहीं लेता है। अगला क्वेश्चन है, दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है, द एंजाइम दैट कॉगुलेट मिल्क इनटू कर्ड इज, रेनिन है, पेप्सिन है, रेजिन है, सिट्रेट है। रीचा सबसे पहले सही जवाब बता रही हैं। वैसे आप लोगों को बता दें कि जितने लोग हमारे साथ जुड़े हो सब लोग क्या करें, अपना आंसर हमें बताने की कोशिश करें, वो सही होगा या गलत होगा ये निर्भर करेगा रिजल्ट आने पर। लेकिन अगर हम किसी जैसे आप एग्जाम ही देना बंद कर दें तो रिजल्ट आना ही बंद हो जाएंगे। हो सकता है जब खराब रिजल्ट आते हैं तो उसमें दो चार अच्छे भी आएंगे, इसलिए हमेशा एग्जाम देना चाहिए कभी भी किसी चीज का भी हो। बहुत लोग कहते हैं सर तैयारी नहीं हुई मैंने एग्जाम छोड़ दिया है, या तैयारी नहीं हुई सर मैं एग्जाम नहीं देने जाऊंगा। अरे मेरे लाल, जीवन में अपने 200 क्वेश्चन पढ़े होंगे ना, वही क्या पता आ जाए। तो देखिए ऋचा आंसर हमें बता रही हैं, ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। रेनिन की अगर बात करें तो जो रेनिन एंजाइम है यही क्या करता है, दूध को दही में बदलता है। वैसे रेनिन एंजाइम की अगर बात करें तो रेनिन जो है यही क्या करता है, लैक्टोज शर्करा को डाइजेस्ट करने का काम भी करता है। अगर हम लोग के शरीर में रेनिन एंजाइम का सक्रेशन ना हो तो हम लोग कभी भी यानी कि दूध को पचा नहीं सकते। वैसे भी आप लोगों को बता दें कि रेनिन का सक्रेशन जो होता है बच्चों में सबसे ज्यादा होता है, लेकिन एक एडल्ट में, एक वयस्क में अगर हम बात करें तो एक वयस्क में इसकी संख्या क्या होती है, कम होती है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल लगभग है, 1 सेकंड बच्चा, लैपटॉप जाने वाला है, थोड़ा इसको हम चला देते हैं। चलिए चल गया, अभी बताइए सभी लोग बताइए बताइए आंसर। ऋचा, विधि भाटी, कितेश हमारे साथ जुड़े हैं, और कौन कौन जुड़ा भाई हमारे साथ बताइए फटाफट। तो इसकी अगर बात करें तो इसका सही जवाब क्या हो, देखा लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल, लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल जो होता है वो कितना होता है, ये लगभग 100 से 120 दिन तक जीती है। वैसे आप लोगों को जानकारी की बात बता दें, जितने हमारे ब्लड की अगर हम बात करें, कोमल यादव भी हमारे साथ जुड़ी हैं, हमारे ब्लड में मुख्य रूप से चार पार्टिकल पाए जाते हैं, कौन कौन से हैं, पहला आपका प्लाज्मा है, दूसरा आपका आरबीसीज है, तीसरा आपकी डब्ल्यूबीसीज है, और चौथा आपकी ब्लड प्लेटलेट्स है, यानी कि लाल ब्लड प्लेटलेट्स को रक्त बिंबांड या रक्त पटलिकाएं कहा जाता है। आरबीसी का जीवन काल इन सभी की अपेक्षा सबसे ज्यादा होता है। क्यों इसका क्यों ऐसा जीवन काल होता है, हमारे शरीर को ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। आप सभी लोगों को पता है कि हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन की अगर बात करें तो हीमोग्लोबिन का काम क्या है, हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को कैरिएट करना, यानी कि ऑक्सीजन कैरियर का जो काम करता है वो हीमोग्लोबिन करता है, इसलिए इनका लाइफ सबसे लंबा बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि पोलियो की रोकथाम के लिए, पोलियो की रोकथाम के लिए पहली प्रभावी वैक्सीन किसने बनाई थी, द फर्स्ट इफेक्टिव वैक्सीन अगेंस्ट पोलियो वाज प्रिपेयर्ड, लिखा J.S. गिबन ने, या जॉन ई सॉल्क ने, रॉबर्ट एडवर्ड ने, या
जेम्स सिंपसन। तो यहाँ पे अगर बात करें, देखते हैं भाई सबसे पहले सही जवाब। रिचा वैसे सबसे पहले सही जवाब बता रही है। सर एक क्वेश्चन है, हेल्प कर दीजिए प्लीज। बबीता चौहान जी, एक नहीं आप चार क्वेश्चन पूछिए, अगर वो क्वेश्चन मेरे से रिलेटेड होगा मैं जरूर बताऊंगा। मैं इसीलिए बैठा हूं मेरे लाल, अनअकैडमी मुझे इसीलिए हायर की है कि आपके क्वेश्चन की समस्याओं को सॉल्व किया जाए, आपके क्वेश्चन जो हों उनको बताया जाए। पूछिए आप क्वेश्चन क्या पूछना चाहते हैं। ठीक है, वैसे बिल्कुल आप सभी लोग सही हैं। यहाँ पे जॉन साल्क जो थे उन्होंने ही क्या किया था, सबसे पहले किसके लिए, पोलियो के लिए इफेक्टिव वैक्सीन का निर्माण किया था, इसीलिए इसे साल्क वैक्सीन भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, साल्क वैक्सीन भी बोलते हैं। ठीक है, तो साल्क वैक्सीन भी इसे बोला जाता है जो पोलियो में लगती है। अगला क्वेश्चन है, सभी लोग देखिए, देखा मिनी माता, माता नहीं बच्चा माटा होता है, ठीक, मिनी माटा रोग किस कारण होता है। मिनी माटा डिजीज वाज कॉज्ड बाई मरकरी के कारण होता है, लेड के कारण होता है, कैडमियम के कारण होता है, जिंक के कारण होता है। बताइए सभी लोग फटाफट। वाह बहुत अच्छे, दीप भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीप जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कोमल यादव बता रही हैं, देखिए वैसे दीप जी आप गलत हैं, कैडमियम के कारण जो रोग होता है उस रोग का नाम है इटाई इटाई। क्या नाम है बच्चा, इटाई इटाई, ना कि बच्चा क्या होता है, मिनी माटा। मिनी माटा सबसे फेमस रोग है। मिनी माटा जो रोग होता है ये मरकरी के कारण होता है। हुआ क्या था, जापान का एक राज्य था, वो खाड़ी राज्य था, जहां पर मरकरी वाले वेस्ट को इंडस्ट्रियल के इंडस्ट्री वाले लोग क्या करते थे, समुद्र में छोड़ते थे। तो क्या हुआ, अब वो मरकरी जब समुद्र में पहुंची, यानी कि पारा जब पहुंचा, तो उसी समुद्री में मछलियां रहती थी, और उस पारे वाले पानी को वो पी, जिसके कारण क्या हुआ, मछलियों के शरीर में पारे की अधिकता हो गई। अब उस पारे की अधिकता वाली मछलियों को मार कर कौन खाया, आदमी खाया। जब आदमी उन मछलियों को खाना शुरू किया तो क्या हुआ, आदमी के शरीर में दिक्कत आ गई। आदमी जब उनको खाना शुरू किया तो आदमी को दिक्कत क्या आई, आदमी के शरीर में मरकरी बढ़ गई, जिसके कारण उसके लंग्स में दिक्कत आना शुरू हुई, एक महामारी का रूप धारण कर ली उस खाड़ी राज्य में। हालांकि उस राज्य को ही कंट्रोल कर लिया गया था, उसको डिस्कवर कर लिया गया, लेकिन उसी राज्य उसी स्टेट के नाम पर इस रोग का नाम दे दिया गया, मिनी माटा रोग। ठीक है, तो मिनी माटा। लेड जो है, लेड की अगर बात करें तो लेड के कारण हम सबको या किसी को भी रोग हो सकता है। यह कौन सा रोग, कैंसर हो सकता है। कौन सा रोग हो सकता है, कैंसर। जिंक की अगर बात करें तो जिंक की अगर कमी आएगी तो रेस्पायरेटरी सिस्टम आपका गड़बड़ कर सकता है। रेस्पायरेटरी सिस्टम यानी कि सांस की प्रॉब्लम हो सकती है। आप लोगों को ये भी बता दें, लंग्स काम करना बंद भी कर सकते हैं, इसलिए ये दिक्कत हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, सभी लोग ध्यान दीजिए। लिखा है रेडियो सक्रिय स्ट्रॉन्शियम 90, रेडियो सक्रिय स्ट्रॉन्शियम 90 के कारण कौन सा कैंसर हो जाता है। रेडियो एक्टिव स्ट्रॉन्शियम 90 कॉज्ड ब्रेन कैंसर, स्किन कैंसर या लंग्स कैंसर, बोन कैंसर। बताइए सभी लोग भाई, रिचा हमें केवल आंसर बता रही है और कोई हमें प्रॉपरली आंसर नहीं बता रहा। बिल्कुल, तो जो स्ट्रॉन्शियम है इससे बच्चा स्किन कैंसर होता है। कौन सा कैंसर होता है, स्किन कैंसर। वैसे आप लोग को बता दें, जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं वो ज्यादातर अगर नुकसान पहुंचाएंगे तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं तो वो स्किन को पहुंचा सकते हैं। किसको पहुंचा सकते हैं, स्किन को पहुंचा सकते हैं, यानी कि स्किन सबसे ज्यादा नुकसान में जाएगा। हेलो,
हाँ बताइए। आप गूगल पे फोन पे नंबर भेज दीजिए, हम कर दें। हाँ भेज। तो देखिए भाई, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सभी लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। तो अब इसके अलावा देखिए अगला क्वेश्चन, सभी लोग ध्यान दो। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, लिखा है जुकाम का कारण होता है, जुकाम जो है वो किसका कारण है? व्हाट कॉज्ड कॉमन कोल्ड? बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, प्रोटोजोआ। सभी लोग आंसर बताइए। 8 का सी आंसर बता रहे हैं। दीप जी, दीप टैलेंट है, गुड परफॉर्मेंस। अच्छा दीप, ये बताओ तुम यहाँ हमारे साथ ऑफलाइन भी पढ़े हो ना? तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये बिल्कुल सही बात है, ये वायरस है। क्या है बच्चा? वायरस है। वायरस की अगर बात करें तो ये पूछता कौन से वायरस से होता है, तो रीनो वायरस से होता है। कौन सा वायरस है? रीनो वायरस। तो रीनो वायरस जो है किसी के कमी से, यानी कि रीनो कमी नहीं बता रहे, रीनो वायरस के कारण क्या होता है कि रोग होने का खतरा रहता है, वो भी कौन सा रोग होने का खतरा रहता है? ठीक है, रीनो वायरस। ठीक है, तो इसके अलावा हाँ सर, एनटीपीसी में पे कमीशन होगा क्या? एनटीपीसी पे कमीशन होगा क्या? सर मैंने कोई क्लास नहीं की, बट कुछ दिन हुए हैं आपकी लाइव क्लास लेते। अच्छा मेरे लाल, बहुत बहुत थैंक यू, गुड परफॉर्मेंस। विच टाइप ऑफ ग्लास इज यूज टू मेक माइक्रोवेव सेफ एंड यूटिलाइजेस? प्लीज गिव मी आंसर सर। अच्छा यानी कि प्लीज टाइप ऑफ ग्लास। देखिए बताते हैं अब, बिल्कुल देखिए। तो यहाँ पे सभी लोग, तो यहाँ पे रोइनो वायरस होता है। बिल्कुल बबीता जी, इतना देर में आपने क्वेश्चन टाइप किया सर। एनटीपीसी 7 फेज कभी नहीं होगा। 7 फेज, 7 फेज तो नहीं होगा ना, तो अभी 7 फेज के बारे में बताया गया है ना, तो कोई जानकारी है। वैसे भी बचे भी स्टूडेंट नहीं होप सो, क्योंकि हमको तो लगता है 6 फेज में सबको निपटा लिया गया है। ठीक है, बताइए क्वेश्चन नंबर 9 क्या होगा? लिखा है टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? बिल्कुल सही बात है, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयोग होता है पीओपी का, जिसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। पीओपी के बहुत सारे यूज हैं। पीओपी की अगर बात करें तो इसका यूज घर की डिजाइन बनाने में, घर की डिजाइन बनाने में होता है। इसकी अगर बात करें तो इसका प्रयोग मूर्ति बनाने में भी किया जाता है, हड्डी को जोड़ने में होता है। इसके अलावा इसका प्रयोग खिलौनों को बनाने में भी होता है। जो खिलौने बनाए जाते हैं वो भी किससे बनते हैं? पीओपी से। जो बहुत फिनिशिंग वाली आपकी मूर्ति होती हैं वो किससे बनाई जाती हैं? पीओपी से बनाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? बिल्कुल CASO4 डॉट हाफ H2O पीओपी का फुल फॉर्म होता है, इसलिए इसे पीओपी को प्लास्टर ऑफ पेरिस ना पढ़ें, प्लास्टर हाफ पेरिस पढ़ें, ताकि आपको पता होना चाहिए कि हाफ H2O जुड़ा हुआ है। देखा, विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? द टॉलेस्ट प्लांट इन द वर्ल्ड इज? यूकेलिप्टिस है, या टेरोकार्पस है, पॉलीएल्थिया है, टेक्टोना है? सर CHSL में। ठीक CHSL में डायोसर का कोई
मतलब कोटा लगा सकते हैं क्या? वैसे बच्चा जहाँ तक मुझे होप्स हो, यानी कि गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करने में डाइवोर्स का तो जहाँ तक मेरे हिसाब से कोई कोटा दिया नहीं गया, होप्स हो जहाँ तक मेरी नॉलेज है। अगर ऐसा है तो बच्चा कभी मेरा इस ऐसी सिचुएशन पे हमारा ध्यान भी नहीं गया है, तो मैं देख के जरूर ये आपको हम इन्फॉर्म कर सकते हैं, देख के मैं इसके बारे में बता सकता हूँ। अदरवाइज इसके अलावा हमारे पास पहले से इसका कोई जवाब नहीं है। ठीक है, समझ में आई बात? हाँ, पहले से इसका कोई जवाब नहीं, समझे? अगला क्वेश्चन है, तो इसकी अगर हम बात करें तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा यूकेलिप्टिस। यूकेलिप्टस मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया का प्लांट है। कौन सा प्लांट है? ऑस्ट्रेलिया का प्लांट यूकेलिप्टस, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला प्लांट है। इसकी अगर हम बात करें तो सभी लोग ध्यान दीजिए, ऑस्ट्रेलिया में ये प्लांट पाया जाता है। दूसरी सबसे खास बात ये है कि यूकेलिप्टस जो होती है, इसके लीफ जो हुए, इसके लीफ के स्टोमेटा सबसे बड़े होते हैं। स्टोमेटा क्या? इनमें जो छेद पाए जाते हैं। 110% बच्चा हेल्प करेंगे, मेरा काम भी यही है, 110% आपको हेल्प दी जाएगी, जरूर आपको बताया जाएगा। तो ये क्या करता है? सबसे ज्यादा जमीन से मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है और सबसे ज्यादा ये वाटर को भी एब्जॉर्ब करता है, जिसके कारण वहां पे पानी की कमी आ जाती है, मिनरल्स की कमी आ जाती है। और पानी और मिनरल्स की कमी आ जाने के कारण प्रोडक्टिविटी जो होती है वो क्या होने लगती है? घटने लगती है। और जब प्रोडक्टिविटी घट जाती है तो वो जमीन ऊसर हो जाती है, बंजर हो जाती है, या आप ये कह सकते हो वो जमीन खराब हो जाती है। और जब जमीन खराब हो जाती है तो ये सॉयल पोल्यूशन फैलाने में सबसे ज्यादा योगदान देता है। कहने का मतलब ये हुआ, इसीलिए इसको एनिमी ऑफ एनवायरमेंट यानी कि पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, बहुत अच्छे, गुड परफॉर्मेंस। ठीक है, देखो इसकी अगर हम बात करें तो इसको समझाते हैं। देखा, वह एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है? द ओनली बर्ड बर्थ दैट फ्लाइज बैकवर्ड। बर्ड होना चाहिए, बर्थ नहीं, तो ओनली बर्ड कौन सा है? तो यह हमिंग बर्ड है। हमिंग बर्ड की अगर बात करें तो इसे गुंजन पक्षी कहा जाता है। ये दुनिया का सबसे छोटा पक्षी, इसका अगर वेट की बात करें तो 2 ग्राम वेट होता है। कितना वेट होता है? 2 ग्राम वेट होता है। साथ साथ ये केवल और केवल उल्टा उड़ने का मतलब है, जाना इधर चाहिए लेकिन जा किधर रहा? इधर, इधर जाता है, उल्टा जाता है। तो ऐसा है, यानी कि अगर हम बात करें सबसे स्विफ्ट पक्षी भी, सबसे तेज स्विफ्ट उड़ता है, तो इसकी अगर बात करें तो ये ऐसा पक्षी है जो उल्टा भी उड़ता है और क्या कहते हैं, सीधा भी उड़ता है। दोनों गुण है, ऐसा नहीं कि हमेशा बैक गैरम ही चलता है, सीधे गैरम भी चलता है, लेकिन हाँ ये बैक में भी उड़ने की क्षमता है और इकलौता ऐसा पक्षी है जिससे जो बैक में क्या कर सकता है, उड़ सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा एक प्राणी है जो विलुप्त हो गया? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जिस्ट एनिमल? पैसेंजर पिगन, माउंटेन क्वेल, पर्वतीय बटेर, पिंक हेडेड डक यानी कि पिंक हेडेड बतख जो होती है, या आइबिस? सभी लोग आंसर बताइए।
इसका सही जवाब अगर हम बात करें तो सी सी बताया गया है। सी सी नहीं भैया, सी। देखिए यहाँ पे इसका वैसे सही जवाब क्या होगा मैं बता देता हूँ। इसका सही जवाब होगा पैसेंजर पिगन। पैसेंजर पिगन की अगर हम बात करें तो यात्री कपोत। कपोत का मतलब क्या होता है? कबूतर होता है। क्या मतलब होता है बच्चा? कबूतर। यात्री कबूतर। इसकी अगर बात करें तो ये नस्ल केवल और केवल अमेरिका के जंगलों में पाई जाती। कहाँ पाई जाती? अमेरिका के जंगलों में। वहां पे भी ये मूल रूप से अब क्या हो चुका है? विलुप्त हो चुका है। एक दो कहीं गलती से दिख जाए तो दिख जाए, लेकिन वैसे ये वहां की विलुप्त प्रजाति। विलुप्त तभी कोई होता है जब उनमें संकरण की यानी कि हाइब्रिडाइजेशन की, या आप ये कह सकते हो जिनमें प्रजनन दर घटना शुरू हो जाती है, वो धीरे धीरे करके विलुप्त हो जाते हैं। वैसे मानव में भी प्रजनन दर में गिरावट आ रही है। डे बाय डे मानव की प्रजनन दर भी घट रही है। हर जगह मानव की प्रजनन दर घट रही है। इस हिसाब से भी अनुमान लगाया जा सकता है, जिस हिसाब से घट रही अगर बढ़े ना तो क्या कहते हैं, निश्चित रूप से मानव भी विलुप्त हो सकता है। वैसे इंडिया की इकलौती इंडिया ऐसी है जहाँ पे प्रजनन दर क्या हो रही है? बढ़ रही थी, लेकिन वर्तमान समय में प्रजनन दर इंडिया की भी घटना कम हो गई, घट रही। अगला क्वेश्चन है कपोत दुग्ध। कुपोत नहीं बच्चा, कपोत होना चाहिए। कपोत यानी कि कबूतर दुग्ध का उत्पादन कौन करता है? पिगन मिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय क्या? क्रॉप फसल। क्रॉप्स कहती हैं, बर्ड्स कहते हैं, मैमल्स कहते हैं, या ऑल ऑफ द एबव कहते हैं? सभी लोग बताइए। बोलो भैया, इतने दिन बाद मैं क्लास ले रहा हूँ, सब लोग ठंडे हो। कैसे काम चलेगा? रिचा बी बता रही, तो ये बिल्कुल सही जवाब। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन। आप खुद सोचिए भैया कि मानव के लिए मानव दूध का उत्पादन करेगा, पक्षियों के लिए पक्षी उत्पादन करेंगे, और अगर बात करें ठीक घोड़े हैं तो घोड़े के लिए घोड़े करेंगे, गधे हैं तो गधे के लिए गधे करेंगे। अब कोई दूसरे को अपना दूध थोड़ी ना पिलाता है। कभी कुत्ते को मानव को दूध पिलाते देखा है? मतलब कोई मानव पी रहा हो कुत्ते का दूध। लिखा है सिल्क उत्पादन किससे होता है? लगाइए आंसर। सर सिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय, एज आप सिल्क वार्म के अंडों से। मेरे लाल पक्षी दूध कब से देने लगे? जितने पक्षी ऐसे हैं, बहुत सारे पक्षी देखिए पक्षी दूध कब से देने लगे, बहुत सारे पक्षी दूध देते हैं ठीक। बहुत सारे पक्षी ऐसे हैं जिनको किसमें मेमलिया में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है तो प्यूपा ऑफ सिल्क वार्म, लार्वा ऑफ सिल्क वार्म, और इंसेक्ट ट्विटसेल। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सभी लोग हमें बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 का सी आंसर होगा। तो बिल्कुल सी जवाब आप लोग का बिल्कुल सही है। लार्वा ऑफ सिल्क वार्म जो है, रेशम कीट के लार्वा से क्या किया जाता है? रेशम कीट का जो लार्वा होता है उनसे प्राप्त होता है क्या? रेशम कीट के लार्वे से बनाया जाता है क्या? यानी कि इंसेक्ट के, सॉरी, इनसे बनाया जाता है रेशम। रेशम सर आता हूं मैं, बिल्कुल। तो रेशम का निर्माण जो होता है वो किससे होता है बच्चा? रेशम का निर्माण सिल्क के लार्वा से होता है। अगला क्वेश्चन है, हमारे साथ दिशा जुड़ चुकी हैं। दिशा जी आपका भी स्वागत है। सभी लोग आंसर बताइए। देखा, निम्नलिखित में से अंडा देने वाला स्तनधारी कौन सा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग लेइंग मेमल्स? सभी लोग बताइए कौन सा ऐसा मेमल्स है जो अंडा देता है। रविंद्र कौशिक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, गुड आफ्टरनून। देखिए मेरे लाल, आप सभी लोगों को बता दें, मेरे मई का जो शेड्यूल है वो चेंज हो गया है, इसलिए सभी लोग हमारे मई के शेड्यूल को जरूर ध्यान से देख लें। मई के शेड्यूल को अगर आप ध्यान से देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आप लोग को प्रॉपरली हमारी क्लासेस मिलेंगी, उसी टाइम पे मिलेंगी। तो सब लोग, निम्नलिखित में से अंडा देने वाला स्तनधारी कौन सा है? Which one of the following is an egg-laying mammals? बैट है। देखिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ, सब लोगों ने जवाब दिया।
जिन लोगों ने जवाब दिया है, जैसे ऋचा हैं, रविंद्र कौशिक हैं, वो सभी लोग सही भी हैं। इसकी अगर बात करें तो वेल जो होती है, वेल जो है ये क्या है, अंडा, ये ऐसी मछली है या ये ऐसा स्तनधारी है जो क्या करता है, अंडे देता है। वैसे अगर हम बात करें स्तनधारी की, अगर हम बात करते हैं तो स्तनधारी ऐसे होते हैं जो कभी अंडे नहीं देते हैं। स्तनधारी का करैक्टर ये होता है कि जो स्तनधारी हैं वो केवल और केवल बच्चे को जन्म देंगे, यानी कि वो कभी अंडे नहीं दे सकते हैं। तो स्तनधारी केवल बच्चे को जन्म देते हैं। अब अगर वो केवल बच्चे को जन्म देते हैं तो सभी लोग ध्यान सुनिएगा, अब व्हेल जो है वो क्या देती है, अंडे देती है। व्हेल अंडे देती है इसलिए वो स्तनधारी। अब स्तनधारी क्यों कहा गया, क्योंकि व्हेल में ममालेरी ग्लैंड होती है। स्तनधारी का मतलब होता है जो स्तन को धारण करता हो, यानी कि जो स्तन को धारण करता हो वो स्तनधारी है, यानी कि स्तन ग्रंथियां होती हैं, ममालेरी ग्लैंड होती हैं, जिसको आप दुग्ध ग्रंथ भी कहते हैं, ये अपने बच्चे को दूध पिलाने में सक्षम होती है। वैसे आप लोग मुख्य रूप से यही करेक्टर याद रखिए, जो अपने बच्चे को दूध पिला सकता है, जो अपने बच्चे को दूध पिलाने में सक्षम है वो मैमल्स है, वो स्तनधारी होता है। ठीक है, और ये मैमल्स में हम लोग भी आते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चा, सभी लोग बताइए, लिखा है निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है। द कलर चेंज इन द कैमेलियन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन या क्रोमेटोस्फोर, क्रोमेटोफोर, द क्लोरोफिल या नेमाटोस्पोर। सभी नेमाटोस्पोर, सभी लोग आंसर बताइए। बिल्कुल इसका सही जवाब जो है वो क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा। ऋचा और इसके अलावा रविंद्र, इसके अलावा विधि भाटी, सभी लोग करेक्ट जवाब बता रहे हैं। इसका सही जवाब की अगर बात करें तो ये क्रोमेटोस्पोर होता है। क्रोमेटोस्पोर, वैसे भी हिंदी में इसे देखिए लिखा वर्णक लवक, वैसे भी साइंस में याद रखिएगा, अगर वर्ण शब्द लिखा है किसी के साथ, ठीक, और अगर क्रोमो शब्द किसी के साथ लिखा है तो ये बच्चा समझ लीजिए, क्रोमो का मतलब वर्ण होता है, ये समझिए किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है रंग से, रिलेटेड है कलर से, रिलेटेड है यानी कि वो किसी ना किसी कलर की बात करना चाहता है। तो क्रोमेटोफोर जो होता है, यानी कि जो वर्णक लवक होते हैं, इसी के कारण गिरगिट अपना रंग बदलना शुरू करता है। इस वक्त बच्चा गिरगिट कम, करोना सबसे ज्यादा रंग बदल रहा है। सबसे ज्यादा रंग कौन बदल रहा, करोना बदल रहा, नए नए रूप में आके हम लोग को विनाश कर रहा है, तबाह कर रहा, परेशान कर रहा है। हमको करोना मिल जाए तो उठा उठा के मैं पटकूं, लेकिन वो मिलेगा नहीं, ठीक, अब ऐसे कोई पटक भी नहीं पाएगा। ये याद रखिए, क्रोमो मीन्स कलर, याद रखिए, बिल्कुल काम आएगा ये बच्चा। ऐसा कुछ होता नहीं है, क्रोमो मीन्स कलर नहीं होता है, लेकिन हाँ अपने समझने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, परीक्षा को पास करने के लिए ये जरूरी नहीं समझते कि भैया कि वहाँ पे नियम सही लग रहा है या गलत। हमको नियम कैसा भी हो, सही हो या गलत हो, कुल मिला के हम अपनी परीक्षा को पास कर जाएं, इस चीज की होड़ लगी होती है और इस चीज के लिए हम काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सभी लोग बताइए, लिखा है जैव निम्नीकरण को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है। जैव निम्नीकरण को, बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज कैन यूजली बाई कन्वर्टेड इंटू यूजफुल सब्सटेंसेस विद इन हेल्प ऑफ किसकी उपस्थिति, किसके कारण। कल्याण भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कल्याण जी मेरे लाल कहाँ गायब हो गए थे। तो इसकी अगर बात करें तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा बैक्टीरिया। क्या सही जवाब होगा, बैक्टीरिया, बिल्कुल मेरे लाल। तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या कर देते हैं, वो किसी भी पदार्थ को कंपोस्ट कर देते हैं। कंपोस्ट का मतलब क्या होता है, यानी कि किसी भी पदार्थ को सड़ा गला के क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। जब सड़ा गला के पदार्थ को नष्ट कर देते हैं तो नष्ट होने के बाद क्या होता है, जब तो सड़ा गला के नष्ट कर देंगे तो नष्ट हो जाने के बाद क्या होता है, नष्ट हो जाने के बाद अगर हम बात करें तो ये यानी कि क्या काम मतलब दिक्कत आ सकती, इसकी अगर बात करें
ये मतलब नष्ट हो जाता है, और नष्ट हो जाता है तो किसका रूप धारण कर लेता है, वो एक प्रकार का बायो फर्टिलाइजर बन जाता है, वो एक प्रकार का जैविक खाद बन जाता है। तो मुख्य रूप से जैविक खाद जो होती है उसी का इस्तेमाल होता है। अगला क्वेश्चन है, किस चीज को अधिक, बहुत अच्छे, बिल्कुल गुड परफॉर्मेंस विधि भाटी। और ये बताओ तुम लोग सब लोग ठीक ठाक हो, किसी को कोई भैया जुकाम बुखार खांसी ऐसी समस्या तो नहीं है, सब लोग सुरक्षित हो मेरे लाल? बोलो सब लोग सुरक्षित रहो। मैं एसी चलाता हूँ लेकिन मुझे डर ही लगता रहता है कि भगवान ये एसी किस दिन हमें नुकसान ना कर जाए। आज आपको बता दूं, हमारे मित्र जो थे, एक हमारे मित्र थे उनके दादाजी एक्सपायर कर गए कोविड के वजह से, तो इसलिए सभी लोग सुरक्षित रहो। डीप टैलेंटेड हब आप यहाँ भी हैं, डीप टैलेंटेड हब हमारे यहाँ जरूर हैं। यस सर, प्लाज्मा बन गया है अब तो। लेकिन विधि भाटी हमेशा याद रखना, प्लाज्मा बन गया है इसका मतलब ये नहीं है कि अब क्या कहते हैं नीतीश चौबे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ठीक, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे लाल कि अब वो दोबारा कभी हम पर हमला नहीं कर सकता। दुश्मन जो होते हैं वो अपनी पूरी ताकत लगाते हैं, लेकिन दुश्मनों से सावधान रहने के लिए हमें पूरी ताकत लगानी है, हमको उसके लिए तत्पर रहना है, हर चीज के लिए काम करना है, समझ रहे हो? इसलिए जैसे देवी तुम हमको बताई थी कि सर गर्म पानी दबा दबा के पीजिए, तो तुम पी रही हो गर्म पानी नहीं पी रहे हो, सब लोग गर्म पानी ही केवल सेवन करें इस वक्त, गुनगुना पानी, जितना ज्यादा गुनगुना पानी पियोगे उतना तुम्हारे सेहत के लिए लाभदायक होगा, क्योंकि तो जान है तो जहान है, जान नहीं तो कुछ नहीं। तो देखिए बच्चा, इसकी अगर बात करें, देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, स्टीम, स्टीम लो स्टीम, गुड परफॉर्मेंस, हाँ स्टीम भी लेंगे हम नीतीश चौबे जी। लिखा है, किस चीज को अधिक खाने से केवल पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का पोषण किया जा सकता है? सर किसी दिन सेल डिवीजन का क्लास लगा लीजिए। चलिए भाई मेरे लाल आपको मैं बता देता हूँ, तो आपकी सेल डिवीजन की क्लास सुन लो, सेल डिवीजन की क्लास जो होगी 2 मई यानी कि परसों, परसों सेल डिवीजन की क्लास आपकी होगी। कब होगी? परसों होगी, रात 9 बजे। कब, किस टाइम बच्चा? रात 9 बजे सेल डिवीजन की क्लास पढ़ाई जाएगी। रात 9 बजे के बाद क्या किया जाएगा? क्लास पढ़ाया जाएगा, ठीक है, सॉरी 9 बजे पढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो आप लोग 2 मई को सेल डिवीजन पढ़ने के लिए आ जाइए, मैं गारंटी देता हूँ सेल डिवीजन से कोई क्वेश्चन नहीं छूट, चाहे एनटीपीसी लो चाहे कोई सीपीसी ले लो, जो पीसी तुम देते हो, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाए, 110% मैं पढ़ा दूँ, फिर जाना दुनिया के जितने प्रैक्टिस सेट बने तब मैं ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन देख लेना, कौन से एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आया, क्या पोरवाल सर के थ्योरी से मिल रहा है या नहीं मिल रहा, गारंटेड मैं बता रहा हूँ, पूरा क्रैक कराओ कर दोगे 110%। तो इसकी अगर बात करें तो इसका सही जवाब जो होगा सी ऑप्शन होगा, प्लांट प्रोडक्ट जो है इनको बच्चा खाने से आप जीवन अपना पूरा प्रवाह कर सकते हैं, पूरा जीवन क्या कहते हैं। ग्रुप डी कब तक होगा बच्चा? कोरोना में जब डाउनफॉल शुरू होगा तभी ग्रुप डी के एग्जाम का अनाउंसमेंट फिर से होगा, ये बात मान लीजिए। इसलिए अभी कह पाना हम लोग को अपने अपने आंकड़े देने से कोई मतलब नहीं है। बच्चा मैं अपना सर पढ़ा डालो, सब कुछ पढ़ा डालें, चलो सब कुछ पढ़ाएंगे, जल्द ही सब कुछ पढ़ाएंगे, तुम लोग को मास्टर बना देंगे। मैं ये जानता हूं कि मैं अगर आप लोग को साइंस पढ़ा दूं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा दूं तो मास्टर बन जाओगे। तो प्लांट प्रोडक्ट की हम बात करते हैं, प्लांट प्रोडक्ट जो होते हैं वनस्पति उत्पाद, इनको खाकर इंसान क्या कर सकता है, जीवन अपना जी सकता है। हाँ थोड़ा पेशेंस जरूर रखें, पढ़ाऊंगा सब कुछ, आप लोग को जरूर पढ़ाएंगे निश्चित रूप से। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी में
पुष्पधूप यानी क्या, द ड्रोन हनी बी आर फर्टाइल। ये बेकार क्वेश्चन है, समझ में नहीं आया। अगला क्वेश्चन है, लिखा क्वेश्चन नंबर 20, लिखा किस ऊतक के नख खुर और क्या कहते हैं सींग बने होते हैं। किस ऊतक से नख खुर और सींग बने होते हैं। सभी लोग आंसर बताइए फटाफट। सभी लोग तो इसकी अगर बात करें तो किससे, कोई ए बता रहा है, कोई सी बता रहा है। वैसे ये भी क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ है, मैं समझा देता हूं। नाखून, सींग, स्किन यानी कि त्वचा। ठीक, देखिए खुर नख खुर जो लिखा है, नेल्स हूफ ठीक, हॉर्न्स, ये जो चीजें बनी होती हैं, ये सब में दो चीजें पाई जाती हैं। अगर पूछा जाए इसमें कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, तो जब कार्बोहाइड्रेट्स पूछता है तो इसका सही जवाब होगा वेस्टियल पार्ट ऑफ क्रेटिन। देखिए तो सबसे पहले इसका सही जवाब क्या होगा, तो काइटिन आंसर सही होगा, इसमें काइटिन पाया जाता है। पूछे जब इसमें कौन सी प्रोटीन है, प्रोटीन कौन सी फाउंड की जाती है, तब आंसर लगाना है केराटिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन बच्चा, केराटिन प्रोटीन। तो प्रोटीन जो होती है इसमें कौन सी होती है, केराटिन होती है, और जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो काइटिन होता है। यानी कि इस हिसाब से ये दोनों ऑप्शन इसके क्या हैं, सही हैं, और एक्चुअल में इस हिसाब से दोनों ऑप्शन इनके क्या हैं, सही भी हैं, ये भी आप सभी लोग जान लीजिए। अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे आ गया है, सभी लोग बताइए आंसर। बहुत अच्छे। तो अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसका सही जवाब लिखा है पुरुष में पुरुषत्व के लिए, यानी कि कौन सा गुणसूत्र संयोजन उत्तरदायी है। लिखा है विच क्रोमोसोमल कॉम्बिनेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल मेलनेस इज मैन, यानी कि किसके लिए जिम्मेदार है। 20 का केराटिन इज प्रोटीन ऑफ इंटर मीडियट फिलामेंट। देख बच्चा इसके फंक्शन के बारे में बता देंगे, ठीक है, नेचुरल चप्पल। ओके थैंक्स। नेचुरल चप्पल नेचुरल चप्पल बिल्कुल सही बताया। अरे जैसे होता है ना घोड़े में नीचे ऐसे होता है ना वो, ठीक उसी को कहते हैं। बिल्कुल, एक्स एक्स जो होता है वो फीमेल में होता है और एक्स वाई मेल में होता है। वैसे बच्चा एक बात बता दें, सेक्स डिटर्मिनेशन में फीमेल जो होते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन की अगर बात करें तो फीमेल की अगर बात करते हैं तो फीमेल में सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करें तो फीमेल के क्रोमोसोम कभी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। केवल और केवल अगर हम बात करें किसके क्रोमोसोम सेक्स डिटर्मिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो मेल के यानी कि एक्स वाई लिंग के निर्धारण में केवल और केवल मेल यानी कि केवल और केवल पुरुष के ही गुणसूत्र क्या करते हैं, भाग लेते हैं, और किसी के गुणसूत्र भाग नहीं लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस कारण से स्टोन कैंसर होता है। स्टोन कैंसर ऑकर्स ड्यू टू एसिड रेन से होता है, ग्लोबल वार्मिंग से होता है, रेडियो एक्टिविटी से होता है,
बैक्टीरियल एक्शन से होता है। मेरी हंसी पे ना हंसो तुम लोग, हमारा मजाक उड़ाते हो तुम लोग। मेरी हंसी अच्छी नहीं तो हम क्या करें बताओ। तुम लोग बेटा मौज बहुत लेते हो। बहुत अच्छे। तो यहाँ पे अगर बात करें, ना 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 विधि भाटी, इसका आंसर क्या होगा बच्चा? एसिड रेन होगा। क्या होगा? एसिड रेन। एसिड रेन जो है ये है बच्चा अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा क्या है जान लीजिए। अम्ल और वर्षा दो अलग चीज है, यानी कि वह वर्षा जिसके साथ कौन बरसता हो, अम्ल बरसता हो, उसी को कहते हैं अम्ल वर्षा। जैसे एसिड रेन में जब H2SO4 पड़ता है, H2SO4 की बरसात होती है, तो H2SO4 की बरसात के कारण डैमेज होना शुरू हो जाता पत्थर, चाहे वो संगमरमर हो, चाहे वो ग्रेनाइट हो, ठीक, हाँ, चाहे वो ग्रेनाइट हो, इसी को बोलते हैं क्या? डैमेज होना। और जब वो डैमेज होने लगता है, तो स्टोन जब डैमेज होता है, तो उसी को कहा जाता है स्टोन कैंसर। क्या बोलते हैं बच्चा? स्टोन कैंसर बोलते हैं। तो अगर एसिड रेन ना होता तो स्टोन कैंसर ना होता। स्टोन कैंसर हो रहा है, इसका मतलब है कि एसिड रेन हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखो मेरे लाल। लिखा है कला और शिल्प का के प्रयोग किए, कला और शिल्प में प्रयोग किए जाने वाले किस रसायन से एनेमिया और ल्यूकेमिया हो सकता है? द केमिकल विच इज यूज्ड इन आर्ट एंड क्राफ्ट एंड कैन कॉज एनेमिया एंड ल्यूकेमिया। बेंजीन, डायऑक्सीन, हैलेट, एड्रिन। सभी लोग आंसर बताइए। सर मैं आपकी क्लास को पूरा फीलिंग के साथ पढ़ता हूँ। मेरे लाल बहुत अच्छी बात है, किसी की भी क्लास आप पढ़ें तो फीलिंग के साथ पढ़ें, मजा आएगा, ठीक है। सर व्हाट इज I-23? ए I-23? ए I-23 कौन सा होता है मेरे लाल? आयोडीन का 23 होता ही नहीं एटॉमिक नंबर, ठीक। आयोडीन जो होता है इसकी बात करें तो आयोडीन का 49 होता है, 49 होता है, इसका 132 होता है, इसका 132 होता है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे अगर बात करें तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा बेंजीन। बिल्कुल सही जवाब है। बेंजीन की अगर बात करें, हमारे साथ नई उम्मीद जुड़ चुके हैं। नई उम्मीद जी आपका भी बड़ा बड़ा स्वागत है, ठीक। आपकी उम्मीदों से मेरी भी उम्मीद है। देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो बेंजीन जो होता है यही क्या करता है बच्चा, किसमें काम आता है? यह काम नहीं आता। इससे क्या होता है बेंजीन का जब हम यूज करते हैं तो एनेमिया ल्यूकेमिया जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। डाई ऑक्सिन क्या होता है? डाई ऑक्सिन सर ये पूछ नहीं रही, बता रही है शायद, हो सकता है यही बताना ही चाह रहा है। तो इसके बेंजीन से क्या बताना चाहता तो बेंजीन से ही हो सकता है। इसमें पाई बॉन्ड कितना होगा? बेंजीन में पाई बॉन्ड कितना होगा? पाई बॉन्ड बच्चा बेंजीन में 3 होते। इधर देखो, बना लो बेंजीन। अरे गलत बन गया यार, हेक्सागोनल बेंजीन होता है ये। एके पाई बॉन्ड, एके पाई बॉन्ड, एके पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड होते हैं। जहां सिंगल बॉन्ड होता वहां पे सिग्मा बॉन्ड, जहां पे डबल बॉन्ड होता वहां पे पाई बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड होता, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता। अब ट्रिपल बॉन्ड क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड में बच्चा एक पाई बॉन्ड होता है और एक सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक। तो इसमें कितने पाई बॉन्ड होंगे? 3 पाई बॉन्ड होंगे, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो होता है वह रेजोनेंस जैसा नई उम्मीद 6 होता है। किसको बोले? अब देखो मेरे लाल, 6 कैसे हो जाएगा?
जरा आप हमें बेंजीन का फार्मूला बताइए, फिर उस हिसाब से हमें समझाने की कोशिश करें। सिक्स पाई बॉन्ड नहीं होते हैं, सिग्मा बॉन्ड कितने होते हैं? सिक्स होते हैं। अगर सिग्मा बॉन्ड पूछा जाता तो कितना होता? सिक्स होता। ठीक, रविंद्र कौशिक को रिप्लाई करे थे शायद एटॉमिक नंबर के आई का, आई का एटॉमिक नंबर होता 49। हाँ बिल्कुल, हमने रिप्लाई किया था। अगला क्वेश्चन है, लिखा है कॉकरोच जल में जीवित रहे नहीं रह सकते क्योंकि उनका श्वसन है। कॉकरोच कैन नॉट सर्वाइव इन द वाटर बिकॉज इट रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज गिल्स ट्रैकिया बुक लंग्स पल्मोनरी सेल। यानी कि उन लोगों में जो रिस्पिरेशन होता है वो किससे होता है? रिस्पिरेशन किससे होता है भी ये पूछना चाहता है सभी लोग आंसर बताने को। बिल्कुल, इसकी अगर बात करें तो रिस्पिरेशन जो इनमें होता है वो ट्रैकिया से होता है। ट्रैकिया जानते हो? ट्रैकिया बच्चा श्वास नली को कहते हैं। किसको बोलते हैं? श्वास नली को। आप अपनी भाषा में ट्रैकिया का मतलब समझिए तो इसका मतलब होता श्वास नली। क्या मतलब होता? श्वास नली। यही आगे जाके ब्रोंकियोल्स में डिवाइड होती है और इसी ब्रोंकियोल से दो दो फेफड़ा तुम्हारे लगे हुए हैं। ठीक है, अपने वाला रीजन ट्रैकिया, अपने वाला रीजन मतलब समझे नहीं हम। तुम लोग की एक तो आधी भाषा हम नहीं समझ पाते हैं। तुम लोग आपस में बतिया रहे होते हो क्या, हमसे पूछ रहे होते हो, ये भी मुझे क्लियर नहीं होता, समझे। अगला क्वेश्चन बच्चा आज का देखो लास्ट क्वेश्चन है, देखा निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण है? पेपर है, डीडीटी है, एल्युमिनियम है, प्लास्टिक। बिल्कुल करेक्ट आंसर है पेपर। जैव निम्नीकरण का मतलब होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट कौन से हैं? पेपर। कुछ प्लास्टिक भी होती है जो बायोडिग्रेडेबल होती है। कुछ प्लास्टिक की अगर हम बात करें तो बायोडिग्रेडेबल हो सकती है। समझ में आई बात? बायोडिग्रेडेबल हो सकती है, ठीक है, तो ये बायोडिग्रेडेबल हो सकती है, इसकी कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए आप सभी लोग क्या करते हैं, याद रखें। तो बायोडिग्रेडेबल का मतलब है जो सड़ गल के क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। तो जो सड़ के गल जाए, नष्ट होने लगे, उस कंपोस्ट होने लगे, उसी को बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। तो आज के लिए बच्चा इतना ही। आप लोग जुड़े इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ऑल द बेस्ट, गुड लक। मिलते हैं रात 9 बजे एक नए समाचार के साथ, नई क्लास के साथ और उत्तेजक क्लास के साथ। तो आप सब लोग क्या कहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जितने लोग हमारे साथ जुड़े हो सभी लोग, याद रखिएगा कि आप सब लोग क्या कहते हैं, बेहतर से बेहतर काम करिए। और दूसरी सबसे एक बात, खास बात, अब मेरे मई के क्लास का शेड्यूल क्या है ये जान लीजिए। मई में मेरे क्लास का शेड्यूल है 9 बजे रात में आपको एक क्लास मिलेगी 9 PM पे, और दूसरी आपको 10:05 PM पे क्लास मिलेगी, स्पेशल क्लास जो अनअकैडमी पे होगी और जो बिल्कुल फ्री होगी। क्या होगी बच्चा? बिल्कुल फ्री होगी, इसमें भी आपको कोई चार्ज नहीं पड़ेगा। तो दोनों क्लास रेगुलर देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हम मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। नई उम्मीद के साथ मिलते हैं, बहुत बहुत थैंक यू, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट, गुड लक। मिलते हैं ब्रेक के बाद, ठीक है। और साथ बबीता क्या कहते हैं, गायब हो चुकी हैं बबीता जी, ठीक। बबीता जी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि जो माइक्रोवेव होता है उसमें सेफली कौन से ग्लास का यूज होता है, तो उसमें सिरेमिक ग्लास एक आता है,
कौन सा ग्लास आता है? सिरेमिक ग्लास, उसका बच्चा यूज किया जाता है। वैसे आप लोगों को बता दें, सेफली ये केवल माइक्रोवेव में ही काम करता है। अगर हम बात करें, बैटरी चार्ज लगा लगता है ना, देखिए अगर हम इसकी अगर हम बात करें तो सबसे खास बात आप लोग को बता दें कि ये कोई भी ग्लास हो, किसी भी प्रकार का हो, कुल मिला के बॉडी को, हेल्थ को नुकसान जरूर पहुंचाता है, इसलिए ये कतई ना सोचे। वैसे भी माइक्रोवेव है, उसको माइक्रोवेव क्यों कहा जाता है? क्योंकि उससे जो वेव निकलती हैं वो कोई और नहीं माइक्रोवेव होती, जिनको हम हिंदी में सूक्ष्म तरंगे कहते हैं, वो भी बच्चा नुकसान करते हैं। क्या करते हैं? नुकसान करते हैं। इसलिए इंसान को माइक्रोवेव का खाना तो कतई खाना ही नहीं चाहिए। इंसान अपने क्या कहते हैं, आलस के चक्कर में खाना अच्छा डाला, माइक्रोवेव में गर्म कर लेते हैं। अब बड़े आदमी हो जाते हैं ना लोग, तो माइक्रोवेव ले आते हैं, ये ले आते हैं, वो ले आते हैं, इससे क्या कहते हैं, दिक्कत होती है। यानी कि इसलिए खाना कोशिश करें गर्म बनाएं, तुरंत उड़ा दें, सबसे अच्छा यही है। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ब्रेक के बाद। पिज्जा बनता है सर? बिल्कुल बनता है, पिज्जा बनता, बहुत कुछ बनता है, लेकिन ये पिज्जा उज्जा इसीलिए तो जिंदगी और करोना उन्हीं को ज्यादा उड़ा रहा है, जो ज्यादातर पिज्जा खाते थे, उनकी ही इम्यूनिटी कमजोर है। पिज्जा डोसा बर्गर ये सब खा खा पेट भरे। ठीक, जो दाल चावल रोटी सब्जी सुबह शाम खा कर डकार मारता था उसको इतना दिक्कत नहीं, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी मजबूत। चलिए बाय बाय, मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, बहुत बहुत थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड लक, गुड नाइट, ठीक बाय।